जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। जालौन में दिन दहाड़े तीन अज्ञात बाइक सवारों ने सफाई कर्मचारियों पर किया हमला। एक सफाई कर्मचारी की मौके पर ही हुई मौत, दूसरे को किया मरणासन्न। हमलावरों ने सफाई कर्मचारी के शव को सचिवालय के सभा कक्ष में बंद कर मौके से हुए फरार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए दूसरे को उपचार के लिए भेजा जिला अस्पताल। मामला जालौन के आटा थाना क्षेत्र की ग्राम संदी का है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो पर, जालौन से जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने हमला किया है। जालौन में दिन दहाड़े तीन अज्ञात बाइक सवारों ने सफाई कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। एक सफाई कर्मचारी की जिसमें मौत हो गई है मौके पर ही, जबकि दूसरे को मरणासन्न कर दिया। और सफाई कर्मचारी के शव को हमलावरों ने सचिवालय के सभा कक्ष में बंद किया और मौके से फरार हो गए। मामला जालौन के आटा थाना क्षेत्र के ग्राम संदी का बताया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी देवेश जी, क्या जानकारी मिल रही है? इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के आटा थाना क्षेत्र के संदी गाँव से सामने आ रहा है, जहां पर दिन दहाड़े एक सफाई कर्मी को मारपीट कर उसको मौत के घाट उतारा गया है और एक सफाई कर्मी घायल हुआ है। इस संबंध में हमसे जो जानकारी साझा किए प्रधान प्रतिनिधि हैं संजय सिंह पटेल, उन्होंने हमसे जो ज़्यादा जानकारी साझा की है उसके मुताबिक ये पूरे घटनाक्रम जो है दिन में हुआ है। और इसमें उनका कहना ये कि तीन लोग बाइक से आए थे और उन्होंने एक जो घायल जो सफाई कर्मी है संतोष, उससे पूछा था कि क्या साकेत का बेटा यहाँ आकर काम कर रहा है, क्योंकि साकेत का बेटा यानी कि हिमांशु जो मृतक है वो दरअसल कालपी का रहने वाला है और यहाँ पर सफाई कर्मी के तौर पर यानी संदी गांव में सफाई कर्मी के तौर पर तैनात है। तो जब बाइक सवार कुछ लोगों ने पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा हाँ वो अंदर है काम कर रहा है। उसके बाद वो बाइक सवार तीनों लोग अंदर गए हैं और उसके बाद उसके साथ बहुत मारपीट की है। जब वो चीखा चिल्लाया तो ये बचाने के लिए वहाँ गया है तो इसके साथ भी मारपीट की है। बड़ी मुश्किल से इसने अपने आप को प्रधान का जो कमरा है उसमें अपने आप को बंद किया है, अन्यथा की स्थिति में इसकी भी मौत हो सकती थी। फिलहाल जो हमलावर थे वो इसको बुरी तरीके से उन्होंने मारा पीटा है और मृत अवस्था में सचिवालय का जो भवन है उसमें बंद करके सबको फेंक कर चले गए हैं। इसकी सूचना मिलने पर जब इसकी सूचना जो है स्थानीय आटा थाना पुलिस को दी गई तो आटा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही जो घायल है उसको भी जो है संतोष जो घायल सफाई कर्मचारी है उसको आनन फानन में एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजा जहाँ पर उसका उपचार चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सचिवालय यानी ग्राम सभा का सबसे छोटी इकाई सचिवालय में इस तरीके से दिन दहाड़े जो है जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं इस पर बहुत सवाल खड़े होते हैं। हाँ जी, एक दिन दहाड़े सचिवालय में सफाई कर्मचारी की हत्या की गई है, क्या है मामला पूरा, किन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया? मैंने चूँकि जब घटना हुई तो मेरे पास सूचना मिली, मैं यहाँ आया, मैंने उनके पिता को भी बुलाया, पिता से पूछा कि आपको किसी पर शक हो, आपके जो कि कालपी से आपका कोई दुश्मन हो तो आप बताएं। तो उन्होंने चूँकि अभी कुछ हमें नहीं बताया है, लेकिन तार कहीं ना कहीं बाहर से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाहर से ही लोग आए हैं, गांव का हमारे यहाँ चित परिचित गाँव का कोई व्यक्ति नहीं है। और घटनाक्रम जिस तरीके से संतोष जो सफाई कर्मी दूसरा है जो घायल हुआ है उसने बताया कि पहले तीन लोग आए बाइक से और उन्होंने पूछा कि साकेत का बेटा आया हुआ है क्या, सफाई कर रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ आया हुआ है, तो उसने कहा कहाँ है, तो उसने कहा कि अंदर सफाई कर रहा है, तो वो अंदर गए और उसको जब मारने लगे तो ये भी पहुँचा, इसने बचाने का जब प्रयास किया तो इसको भी मारा, ये भी घायल होकर के भागा और प्रधान कक्ष में जा कर के अंदर से कुंडी लगा के ये संतोष का कहना मैंने बंद कर ली और तब मैंने अपनी जान बचा पाई और इसको अंदर जो हॉल है हमारा मीटिंग हॉल उसमें डाल के और वहाँ मृत पड़ा हमें मिला। अच्छा, हमलावर कितने लोग थे? हमलावर तीन लोग थे। अच्छा, और दिन दहाड़े जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है तो इसको लेके क्या सचिवालय में सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी, क्या इसको देखते हैं? नहीं, सचिवालय चूँकि ग्राम सभा के बाहर है, यहाँ पर चूँकि जो हमारी आबादी है वो थोड़ा अंदर है, वो सचिवालय दूर है। अब काम चल रहा है खेतीबाड़ी का तो लोग अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई ऐसा था नहीं कि जो किसी को जानकारी मिल जाए कि यहाँ कोई आया हुआ है या कोई घटनाक्रम हो रहा है। आवाज़ भी सुनाई नहीं दी, अगर कोई आवाज़ भी सुन लेता तो लोग दौड़ के आ जाते, तो हो सकता शायद ये घटनाक्रम ना हो पाता। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर
आप तक पहुंचे सबसे पहले।